जनवरी 2018 में नीरव मोदी का देश छोड़कर भाग जाने के बाद से ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सहित अन्य दलों ने नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाया। नीरव मोदी मामले में कई बातों को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया था। अखबारों में छपी खबरों से हुए खुलासे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अब प्रश्न कांग्रेस से और राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हर प्रकार से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को बचाने की कोशिश की है। इस मामले में ट्विटर पर वार शुरू हो चुका है और नीरव मोदी ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में लंदन की एक अदालत में सुनवाई चल रही है। नीरव मोदी अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस सुनवाई में पूर्व जज अभय थिपसे द्वारा गवाही देने की बात सामने आई है। अभय थिपसे 2018 में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। इसके पूर्व अभय थिपसे मुंबई और प्रयागराज हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। अभय थिपसे ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन की अदालत को बताया कि सीबीआई द्वारा नीरव मोदी पर लगाए गए आरोप भारतीय कानूनों के तहत नहीं टिक पाएंगे। अभय थिपसे ने कहा कि भारतीय कानून के मुताबिक जब तक कि किसी के साथ धोखा न हो तब तक धोखाधड़ी नहीं होगी। धोखाधड़ी के अपराध में धोखा अनिवार्य हिस्सा है। अगर LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी होने से किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है तो किसी कॉरपोरेट बॉडी के साथ धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं है। बैंक के अधिकारियों को LOU जारी करने का जो अधिकार दिया गया है उसे प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता और उन्हें संपत्ति के साथ सुपुर्द करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता, लिहाजा यह भरोसा तोड़ने वाला अपराध नहीं हो सकता। बीजेपी ने इस मामले में अब राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर राहुल गांधी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि यहां भारत में राहुल गांधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। दूसरी तरफ राहुल के खास एवं कांग्रेस के अभय थिपसे नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर क्या है जो राहुल नहीं चाहते कि नीरव भारत आए? उस रात पार्टी में राहुल और नीरव के बीच क्या लेनदेन हुई थी? बहरहाल पूर्व में लगातार नीरव मोदी के धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस खुलासे के बाद अब मामला उल्टा होता नजर आ रहा है। दरअसल इस मामले में नीरव मोदी जनवरी 18 में भारत से फरार हो गया था और मई 2019 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था। बहुत संभव है कि कांग्रेस चुनावी फायदा उठाने के लिए इस मामले में नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया हो, लेकिन अब जब यह बात सामने आई है कि कांग्रेस के अभय थिपसे ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में लंदन की अदालत में अपनी गवाही दी है, अब बीजेपी इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर। मिस्टर मोदी, Yeah.